दिल्ली से एक बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज़ आ रही है कि दिल्ली में अगर तुम दीपावली के दिन पटाखे उड़ाओगे तो जेल चले जाओगे। अब ये तो क्रिमिनाइजेशन ऑफ हिंदू फेस्टिवल हो चुका है, मतलब हिंदुओं को ये बताया जा रहा है कि तुम्हें कैसे अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट करनी है, अगर ऐसे सेलिब्रेट नहीं करोगे तो तुम्हें जेल भेज देंगे। दीपावली में पटाखे उड़ाओगे तो जेल चले जाओगे, ये क्या है? अगर तुम्हें पॉल्यूशन की इतनी ज़्यादा चिंता है दिल्ली में, तो उस चीज़ों पर फोकस करो ना कि जहाँ से ज़्यादा पॉल्यूशन आ रहा है, जो मेन कॉज है पॉल्यूशन का, जहाँ पे सालों भर पॉल्यूटेड एयर निकलते रहते हैं, वहाँ पे फोकस करो। अब दीपावली साल में एक दिन आती है, लोग उसे सेलिब्रेट करने के लिए एक दिन पटाखे फोड़ते हैं, और आपने ऐसा इन्वायरमेंट तैयार कर दिया है कि लोगों को ऐसा लगे कि दिल्ली में जो पॉल्यूशन हो रही है उसका सारा का सारा जो कारण है वो दीपावली में जो पटाखे उड़ रहे हैं वो है। ये एक बच्चा भी बता देगा कि दिल्ली में जो पॉल्यूशन हो रहे हैं उसके मेन कारण क्या है। मेन कारण ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, और जो वहाँ पर फैक्ट्रियाँ खुली हुई हैं जहाँ से अनट्रीटेड गैस निकल रहे हैं वो है मेन कॉज। जो भी आप बहाना मार रहे हो, पार्टिकल 2.5 है या माइनूट पार्टिकल, जो PM10 जो PM2.5 जो निकल रहा है वहाँ से, वो मेन कॉज पटाखे ही हैं। ऐसा थोड़ी है, सालों भर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर वहाँ पर चल रहे हैं, सालों भर फैक्ट्रियाँ चल रही हैं जहाँ से अनट्रीटेड गैस निकल रहे हैं, वो मेन कॉज है। अब वहाँ फोकस शिफ्ट करो, वहाँ का पॉल्यूशन कम होगी तो दिल्ली की ओवरऑल जो हालत है पॉल्यूशन की वो सुधरेगी। लेकिन अचानक से खास रिलीजन को, खास धर्म को आप टारगेट कर रहे हो कि हाँ इस धर्म के लोग जो दीपावली सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो पटाखे उड़ा रहे हैं, उसके कारण दिल्ली की हालत ख़राब हो रही है, और आपने ऐसा इन्वायरमेंट तैयार कर दिया कि एकदम क्रिमिनल बना दिया उन लोगों की, भैया तुम जेल चले जाओगे। ये एक बहुत ही गलत ट्रेन है, ये बंद होना चाहिए, और ये बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज़ है, क्योंकि दिल्ली को देख के और भी कई सारे जो राज्य हैं वो भी यही करना शुरू कर देंगे, एक खास कम्युनिटी को टारगेट करना शुरू कर देंगे, उनके फेस्टिवल को टारगेट करना शुरू कर देंगे, लोगों के दिमाग में ये भर देंगे पटाखे उड़ाना जो है वो बहुत बड़ा जुल्म है। ये बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज़ है।